और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें, राज्यपाल ने यहां पर जानकारी मांगी है इस पूरे मसले पर। उद्धव सरकार से ये जानकारियां मांगी गई हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा। मंजूर प्रस्तावों की जानकारी उनकी ओर से यहां पर मांगी गई है। 22 से 24 जून के प्रस्तावों की जानकारी डिटेल्स यहां पर राज्यपाल द्वारा मांगी गई हैं उद्धव ठाकरे से, यानी कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राज्यपाल ने यहां पर तमाम डिटेल्स मांगी हैं, जो जानकारियां हैं वो मांगी गई हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उद्धव सरकार से ये जानकारियां, ये डिटेल्स मांगी गई हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो हाल ही में उनको कोरोना हुआ था लेकिन उससे ठीक होकर अब वो वापस लौट आए हैं और अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। 22 से 24 जून के जो प्रस्ताव थे उनको लेकर ये जानकारियां मांगी गई हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार किस तरीके से महाराष्ट्र में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है, यह हमने सबने देखा। और किस तरीके से अब पूरा का पूरा जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। हालांकि हमने देखा है कि विधायक लगातार गुवाहाटी में मौजूद है और अब भी उनके जाने का वहां पर सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में आ गए हैं राज्यपाल और तमाम जानकारियां यहां पर उनकी ओर से मांगी गई हैं। 22 से 24 जून के जो प्रस्ताव थे उनको लेकर उद्धव सरकार से ये डिटेल्स और जानकारियां मांगी गई हैं। मंजूर प्रस्तावों की जानकारी यहां पर मांगी गई है। 22 से 24 जून के बीच में जो भी प्रस्ताव थे उनकी डिटेल्स मांगी गई है।